हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ वी टेक हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। चार ऑप्शंस आपको गिवेन है। सो एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। हाइपोक्लोरस एसिड इज एच सी एल ओ, क्लोरस एसिड इज सी एच सी एल ओ टू, क्लोरिक एसिड इज एच सी एल ओ थ्री एंड परक्लोरिक एसिड इज एच सी एल ओ फोर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप क्लोरीन को ऑक्सीडेशन निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहां आएगी प्लस वन, यहां प्लस थ्री, यहां पर प्लस फाइव और ये प्लस सेवन आएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम अगर देखोगे, काउंट ऑक्सीजन एटम का काउंट देखोगे तो यहां पर एक है, यहां पर दो है, यहां पर तीन है और यहां पर चार है। ठीक है, सो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इन एसिड्स की, बेसिकली ये क्या है, ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑक्सी एसिड्स की, दोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि HClO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की मैक्सिमम है एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी मैक्सिमम है, यानी कि पर क्लोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।